फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद भूमि एंड आई एम भूमि दोषी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी व्याकरण एंड टॉपिक इज सर्वनाम। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम सीखेंगे और सर्वनाम को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सर्वनाम डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से हम एक बार बोलेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और प्रोनाउन की डेफिनेशन हम बोलेंगे, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अगेन आई रिपीट, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब हम सर्वनाम देखेंगे। दीप और जनक मित्र है, वे पढ़ रहे हैं। तो ये वाक्य में वे शब्द दीप और जनक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए वे शब्द सर्वनाम है। ये चित्र में दीप और जनक दोनों मित्र है और वे पढ़ रहे हैं। तो ये शब्द में, ये वाक्य में वे शब्द है वो सर्वनाम है। आगे, राधा ने अपनी मां से कहा, मैं भी जाऊंगी। तो ये वाक्य में मैं शब्द राधा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं शब्द सर्वनाम है। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड लास्ट निजवाचक सर्वनाम। अगेन आई रिपीट, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम ये सर्वनाम को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, वह, तुम आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो उसके हम वाक्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वह विरल की बहन है। तो ये वाक्य में जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है वो शब्द है वह। तो वह शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो ये वाक्य में मैं शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो ये वाक्य में तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये वाक्य में से आपको पता चलेगी कि वह, मैं और तुम ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको एग्जाम में पूछेंगे, वाक्य दिए गए होंगे और उसमें से आपको सर्वनाम शब्द ढूंढना होगा। तो आपको ये सर्वनाम के भेद पता होंगे और शब्द पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये और वे, इसने आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे, इसने, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह रंग इसने किया है। तो ये वाक्य में वह और इसने ये निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द है। वे तुम्हें नहीं जाने देंगे। वे तुम्हें नहीं आने देंगे। तो ये शब्द
वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पेपर इसने निकाला है, तो ये वाक्य में यह और इसने, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द है यह, वह, ये, वे, इसने। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कितना, कौन, कुछ, कोई, कितना, कौन, ये चार शब्द अनिश्चय सर्वनाम में आते हैं। कुछ तो हुआ है, तो ये कुछ शब्द है वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम का शब्द है। कोई तुम्हें नहीं जाने देगा, तो ये वाक्य में कोई शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। कौन जाने कितना रुपया खर्च होगा, कौन और कितना, ये शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम के शब्द है। अगेन आई रिपीट, कुछ, कोई, कितना, कौन, ये शब्द है अनिश्चय वाचक सर्वनाम के शब्द है। अब संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द है जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के है। अब हम इसके वाक्य देखेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये वाक्य में जैसा वैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी और उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो भरेगा सो भरेगा, तो ये वाक्य में जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, किसका, किससे, कौन, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगेन, क्या, किसका, किससे, कौन, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के है। आप क्या कर रहे हो, तो ये वाक्य में आप, ये वाक्य में क्या है, क्या शब्द वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, तो ये वाक्य में क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये बस्ता किसका है, तो ये वाक्य में किसका, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या, किसका, किससे और कौन, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के है। अब निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्दों निजवाचक सर्वनाम के शब्द है। स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के है। गुरुजी स्वयं निमंत्रण देने आए, तो ये वाक्य में स्वयं, मतलब गुरुजी स्वयं निमंत्रण देने आए थे, तो स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम के शब्द है। मैंने खुद खाना बनाया, तो खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। यह बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, तो अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम का है। अब कुछ और अन्य सर्वनाम के शब्द देखते हैं। ये, उस, हम, तुम, जिसका, आप, उन्हें, अपना,
मेरा, यह, उसने और तुम्हारा, ये सारे शब्द है अन्य सर्वनाम के शब्द। उसने माहिर को कुछ कहा, तो ये वाक्य में उसने, ये है सर्वनाम। आप थक गए हो, तो ये वाक्य में आप, ये भी सर्वनाम है। अब ये मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, यह शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ये ब्रैकेट में जो शब्द है, हमें, तुम, वह और उसका, ये चारों शब्द आपको नीचे चार खाली जगह दी गई है उसमें लिखने हैं। तो कौन सा शब्द कौन सी खाली जगह पे आएगा, ये आपको सोच के लिखना है। कल मैंने एक आदमी को देखा, खाली जगह ज्यादा बड़ा था, तो उसमें क्या शब्द आएगा, वह। कल मैंने एक आदमी को देखा, वह ज्यादा बड़ा था। सेकंड, कल मैं अपने भाई के घर गई थी, कल खाली जगह लग्न दिन था, तो ये खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, कल मैं अपने भाई के घर गई थी, कल उसका लग्न दिन था। थर्ड, मैंने हर्ष से पूछा, खाली जगह कहां से आ रहे, तो ये खाली जगह में तुम शब्द सर्वनाम आएगा। मैंने हर्ष से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो। लास्ट, बड़े भैया भाभी अच्छे होते हैं, खाली जगह उनका कहना मानना चाहिए, तो क्या शब्द आएगा, हमें। बड़े भैया भाभी अच्छे होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद भूमि। थैंक यू।